नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में नौकरी के लिए भटक रही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की एक नाबालिग बच्ची को पुलिस ने संपर्क कर परिजनों के सकुशल सुपुर्द किया है। माता पिता की आपसी विवाद में बच्ची ने खुद को अकेले रहने का फैसला किया था, जहां फ्लाइट से इंदौर पहुंची बच्ची होटल में किराए का रूम ढूंढ रही थी, तभी जागरूक होटल संचालक ने संबंधित थाने को इसकी जानकारी दी। दरअसल एमजी रोड थाना पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची, जहां बच्ची होटल में किराए से कमरा लेने पहुंची थी। संदेह होने पर होटल संचालक ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। बच्ची से काउंसलिंग के बाद पता चला कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली है। उसके पिता सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और मां मुंबई में रहती हैं। बच्ची की परवरिश उसकी बुआ करती थी। बुआ ने मोबाइल देखने की बात को लेकर डांटा था, तभी बच्ची की एक सहेली ने उसे कहा कि तुम इंदौर पहुंचो, मैं भी दो दिन बाद इंदौर आ जाऊंगी, दोनों वहां नौकरी करके साथ रहेंगे। बच्ची की जानकारी के बाद सहेली के परिजनों से संपर्क किया गया, जहां दोनों की बच्चियों ने फ्लाइट का टिकट बुक करवाया था। जानकारी के बाद सकुशल बंगाल से परिजनों को बुलाकर बच्ची को सुपुर्द कर दिया। कई बार बच्चे घर की डांट से नाराज होकर अपने आप को खुली आजादी में जीने के लिए घर से भाग जाते हैं। ऐसे नादानी में उठाए कदम कई बार नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। जाने में ही सही, लेकिन 16 साल की बच्ची इंदौर पहुंच गई। होटल संचालक की जागरूकता और इंदौर पुलिस की सतर्कता के चलते बच्ची को परिजनों से मिलवा दिया है, लेकिन कई बार अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर गंभीर होना होगा। सर, एक नाबालिग बच्ची आपके क्षेत्र में मिली है जो पश्चिम बंगाल से आई थी, क्यों आई थी और क्या कारण था, किस तरह से उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया? जी, 7 तारीख को हमारे पास एक स्थानीय होटल के मालिक का फ़ोन आया कि एक नाबालिग सी दिखने वाली बच्ची है जो होटल का रूम मांग रही है और वो अकेली भी है। तो इस सूचना पर हमने तत्काल हमारे थाने से स्टाफ सब इंस्पेक्टर टीना शुक्ला, प्रधान आरक्षक महिला अनीता शर्मा, हेड कांस्टेबल मुकेश लोभाना को इनको भेजा और वहाँ से बच्ची को सुरक्षित थाने लेके आए। और जब उससे महिला अधिकारियों ने पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो पश्चिम बंगाल में रहती है और उसके पिताजी सऊदी अरब में जॉब करते हैं और माताजी मुंबई में रहती हैं। दोनों किसी पारिवारिक झगड़ों के कारण अलग अलग रहते हैं और ये पश्चिम बंगाल में अपनी बुआओं के साथ रहती हैं। आने का सर कुछ कारण पता चला, किसी से मिलने आई हो या कोई और कारण हो, कोई बहला फुसला के लाया? पूछताछ पर इसने ये बताया कि इसकी कोई वहाँ पे स्थानीय सहेली है जिसने इसे ये बोला था कि तुम पहले इंदौर पहुँच जाओ और उसके बाद दो दिन बाद मैं आती हूँ, तो फिर वहाँ हम मिलकर कोई ना कोई काम करेंगे और कोई बिजनेस करेंगे या कहीं नौकरी करेंगे। बच्ची 10वीं तक पढ़ी है और वो बहकावे में आके पहले आ गई और इसने 2 फ्लाइट बदल कर इंदौर आई है पश्चिम बंगाल से। और इसके बाद जब हम लोगों ने उनके परिजनों को भी सूचना दी तो उन लोगों ने उस बच्ची को वहाँ पे काउंसलिंग करी है और उसका टिकट भी कैंसिल कराया। उस बच्ची का भी दूसरी बच्ची जो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो इसके बाद आने वाली थी, तो उसके परिजनों को सूचना दी हमारी महिला अधिकारियों के द्वारा, तो फिर वो उनको समझा बुझा के उसको वहीं रोक लिया गया है। और ये 7 तारीख को हमारे थाने में आई थी, उसके बाद हम लोगों ने उसको जीवन ज्योति मुरायजा वगैरह करवा कर और सब जो प्रक्रियाएं होती हैं जीवन ज्योति राव में उसको कराया और इनके परिजनों को सूचना दी, जो आज पश्चिम बंगाल से आए हैं और अपनी बच्ची को सुरक्षित पाकर बहुत प्रसन्न है। क्योंकि फादर से बात हुई थी दुबई में। हाँ, ये एक बात और आपको बताना भूल गया कि इनके पिताजी से हम लोगों ने यहाँ से वीडियो कॉल से बात भी करी, हमारी महिला अधिकारियों ने भी करी और बच्ची से भी कराई, और वो बात करते करते रो भी पड़े थे, बच्ची भी रोई और हमारी महिला अधिकारियों ने और हमने सबने मिलकर उस बच्ची की काउंसलिंग भी करी है। अपनी गलती का एहसास है उसे और भविष्य में अब दोबारा इस प्रकार का कृत्य न करने के बारे में भी उसने बोला है। आपका नाम? धर्मवीर सिंह नागर, थाना प्रभारी, MG रोड। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और